नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वीक और मैं हूँ प्रियंका। वक्त हो चला है खबर फटाफट खबरों का सिलसिला शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। तब तक देखते रहिए न्यूज वीक। गरीब नवाजों हिंदू रक्षा दल की ओर से नववर्ष मकर संक्रांति गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। निवेदक आर के साहू लबेरा वाले, कार्यालय माँ शारदा कंप्यूटर ऑफसेट प्रेस, रेंज चौराहा गुरसराय झांसी उत्तर प्रदेश। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पहली खबर है झांसी से। झांसी में शिवरी मीणा ने सीपरी बाजार में भोजला मंडी का किया निरीक्षण। मतपेटियों की सुरक्षा व्यवस्था, स्ट्रॉन्ग रूम आदि के संबंध में की गई समीक्षा। विधानसभा चुनाव सकुशल संपन्न कराए जाने हेतु जिले के आवंटित अर्धसैनिक बलों के ठहरने की कराई गई व्यवस्था। आचार संहिता के संबंध में झांसी SSP ने दिए सख्त निर्देश। सोशल मीडिया पर चुनाव संबंधित कोई भी ऐसी खबर न चलाने की अपील। माहौल खराब न करने की पुलिस अधीक्षक ने कही बात। जो आदर्श आचार संहिता के मानक है उनके अनुसार सबसे ज़्यादा संवेदनशीलता अगर कहीं है तो वो है सोशल मीडिया। मेरा सभी सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं से अनुरोध है कि कोई भी ऐसी पोस्ट ना डालें जो आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के दायरे में आती हो। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन ने झांसी महोत्सव पर लगाई रोक। नगर मजिस्ट्रेट ने तत्काल मेले को बंद करने के दिए निर्देश। दुकानदारों में दिखा खासा आक्रोश। बुंदेलखंड क्रांति दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी जिलाधिकारी से मेले को बंद कराने की उठाई थी मांग। झांसी में मीडिया क्लब का शपथ ग्रहण कार्यक्रम हुआ संपन्न। शपथ ग्रहण समारोह में झांसी मीडिया क्लब के सभी पदाधिकारियों ने अतिथियों का किया सम्मान। पत्रकार देश व समाज को सही दिशा दिखाता है, बोले विधायक रवि शर्मा। झांसी विद्यार्थी सर्वगुण संपन्न जनशक्ति बनकर प्रदेश और देश के लिए महत्वपूर्ण योगदान करें, बोले महामहिम राज्यपाल। महिलाओं को बताया समाज की महत्वपूर्ण कड़ी। देश को सशक्त बनाने के लिए महिलाओं को करना होगा सशक्त। झांसी में देर रात तेज गति से भाग रहा डंपर कुएं में गिरा। मौके पर पहुंची पुलिस ने मशक्कत के बाद कुएं से निकाला डंपर। चालक की मौके पर हुई मौत। दूसरी ओर चोरों ने पीछे से चोरी की भैंस। झांसी के मऊरानीपुर में उपजिलाधिकारी ने सभी राजनीतिक दलों के साथ की बैठक। चुनाव आयोग व कोविड नियमों का कड़ाई से पालन करने के दिए निर्देश। नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई के भी दिए निर्देश। बबीना में छोटी सी कहासुनी को लेकर पति पत्नी में हुआ विवाद। गुस्साए पति ने घर में लगाया। बड़ा हादसा होने से बाल बाल बचा परिवार। राहगीरों की मदद से बुझाई आग। जालौन में विधानसभा चुनाव की घोषणा होते ही आचार संहिता हुई लागू। 3 विधानसभा सीटों पर निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए जिला प्रशासन ने कसी कमर। जालौन जिलाधिकारी ने व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के दिए सख्त निर्देश। जालौन जिलाधिकारी ने महारानी लक्ष्मीबाई सभागार में अधिकारियों के साथ की आवश्यक बैठक। गौवंशों के संरक्षण और उनकी उचित देखभाल करने के दिए निर्देश। गौशालाओं में कमियों को किया जाए पूरा। बांदा में फर्जी मुकदमा प्राप्त करने की मांग को लेकर 5वें दिन भी जारी रहा अनशन। नायब तहसीलदार ने अनशनकारियों को मुकदमा समाप्त कराने के लिए उपजिलाधिकारी के आदेश से दिया आश्वासन। अधिकारियों के आश्वासन पर समाज सेवी का अनशन हुआ समाप्त। बांदा में इंडियन बैंक के अंदर से शातिर चोर एक व्यापारी का पैसों से भरा बैग लेकर हुआ चंपत। इलाके में मचा हड़कंप। व्यापारियों ने पुलिस को दी सूचना। पुलिस ने खंगाले CCTV फुटेज। चोरों पर मुकदमा किया दर्ज। बांदा में चुनाव को लेकर पुलिस अधीक्षक CRP बटालियन के साथ शहर में किया पैदल गश्त। लोगों को विधानसभा चुनाव के लिए किया गया जागरूक। जागरूकता के दौरान बाधा उत्पन्न करने वालों पर होगी कानूनी कार्रवाई। निवाड़ी के पठानीपुरम मोहल्ले में सड़क हुई दलदल में तब्दील। वाहन चालक और ग्रामीण कर रहे आने को परेशानियों का सामना। जिम्मेदारों की दिखी लापरवाही। प्रधानमंत्री की स्वच्छ भारत योजना की जिम्मेदारों ने उड़ाई खिल्ली। दतिया में किसी को मिला प्यार तो किसी को मिली फटकार और किसी की निकली हवा। कोरोना की बढ़ती रफ्तार के बाद सड़कों पर उतरा जिला प्रशासन। शहर का भ्रमण कर दुकानदारों से मास्क लगाने की अपील। महुआ में देवी आपदा से फसल को बर्बाद होने पर किसानों ने किया प्रदर्शन। ओलावृष्टि होने से किसान हुआ परेशान। SDM को दिया प्रार्थना पत्र। जिला प्रशासन से मदद दिलाई जाने की किसानों ने उठाई मांग। महोबा में विधानसभा चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन हुआ अलर्ट। चेकिंग के दौरान उक्त लोडर में सवार व्यक्तियों के पास से बरामद 4,44,000 की नकद कोषागार में जमा कर आई गई धनराशि। महोबा में DM ने कोविड एवं ओमिक्रोन के मद्देनजर जिला अस्पताल का किया औचक निरीक्षण। अस्पतालों की व्यवस्थाओं का लिया जायजा। बेड और चादर और कंबल न होने पर CMS को उपलब्ध कराने के लिए किया निर्देश।
आगरा में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पुलिस ने कच्ची शराब के ठिकानों पर मारा छापा। मकानों के अंदर बन रही थी कच्ची शराब। 110 लीटर कच्ची शराब बनाने के उपकरण किए बरामद। सैकड़ों लीटर लहन किया नष्ट। तो ये थी आज की कुछ खास खबरें। खबर फटाफट में कल फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।